फ्रेंड्स कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो? अल्लाह के शुक्र और करम से मैं ठीक हूँ। और आज एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और ये देखें रूम की कुछ हालत इस तरह से है। मैं सफाइयाँ चफाइयाँ करूँगी और सेट करूँगी। और मनाल को मैं पहले स्कूल छोड़ के आऊँ, मनाल रेडी होगी और इशाल चले गई है। आज इनको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करके दिए हैं और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तो बस अब मैं निकलती हूँ जल्दी से, मनाल को छोड़ के आती हूँ। क्या कहाँ हुआ, किधर है? नाखून लग गया है, नाखून मारा है? क्या किया, क्या लगा है दिखाओ, जख्मी हुआ हुआ है? क्या किया है बेटा, सारा खून निकल रहा है, क्या किया है? पता नहीं कुछ किया है, बताओ ना क्या किया है। सुबह तो सुबह का तो नहीं है ये, अभी का है। ये तो अभी निकल रहा है, इसने पता नहीं अपने मुंह में क्या नाखून मारा है, क्या मारा है, अब ये बता नहीं रही। चलो तो खैर हम जल्दी से जाते हैं स्कूल। तो मैं इसको स्कूल छोड़ के आऊँ, इसका आज है इंग्लिश रीडर का पेपर, तो मैं जल्दी से इसको छोड़ के आती हूँ ताकि ये अपना पेपर दे ले, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है, 8 बजे इसका स्कूल लगता है, लेकिन अभी टाइम हो चुका है 8:30 का। घर में कोई भी नहीं है, अब वो भी कहीं गिलगित वगैरह गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं आज पूरा घर लॉक करके जाऊँगी, नीचे से भी लॉक करके जाऊँगी। बुरे वक्त का कभी पता नहीं होता, इसलिए हिफाजत खुद करनी चाहिए। तो मानो बैग पहनो, तो मैं जल्दी हूँ जल्दी से इसको छोड़ के आती हूँ। ये है मानो के झूले स्कूल के, ये स्विंग स्लाइड सीसा स्विंग, छोटा स्विंग गोल घूमने वाला, और ये घोड़ा। क्या कर रही हूँ, ग्रीन वाला बैग, वो वाला ग्रीन वाला। मनाल को मैंने स्कूल छोड़ दिया है और मैंने आज ये देखा है कि रिस्क की लोग कैसे बेहिम्मती करते हैं। ये देखें दाल कैसे फेंकी हुई है, भाई तुम लोग साइड पे कहीं फेंक दो। तो मैंने मदरसे में छोड़ दिया, ये मानो का मदरसा है, अंदर पढ़ाई हो रही है। मैं मनाल को स्कूल मदरसे छोड़ के आ गई हूँ, 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक इशाल वापस नहीं आई है। तो इशाल रोज़ मदरसा से लेट होती है, 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 बजे से स्कूल से छुट्टी होती है, तो वो 3 बजे तक घर पहुँचती है, तो फिर उसको उस हिसाब से फिर टीचर मदरसे वाली छुट्टी भी लेट देती है, सबसे ज़्यादा देर से देती है। और जो मिठू बाहर निकल आया है, मिठू बाहर निकल आया है, आ जाओ मिठू इसके पास, आ जाओ इनके पास, आ जाओ ये
नखले कलो नखले। अच्छा बेबी नहीं बने आज, मैं कैमरा ले आई हूँ। ओ बेबी बन गया, मम्मा का प्यारा वाला बेबी बन गया, इन्ना पोला बच्चा, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा है। बस 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 इन्ना पाला नहीं बनो। और ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी निकालो। तुम ही निकाला ना तो वो मिठू ने दंडियाँ काट रही तुम दोनों को। क्या पीजिए, काला कौवा जी शांता। तो फ्रेंड्स बादल देख लिए आ गए हैं, बारिश आ चुकी है, बहुत जोरों की बारिश आएगी। और बादल गड़गड़ भी सुन ले, गड़गड़ हो रही है, इस साइड से बादल आ रहे हैं, बारिश इस साइड से आ रही है। इस साइड से देखें पहाड़ वगैरह सारा कुछ छुप चुके हैं और बारिश इस साइड से आ रही है। और हवा भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। तो मनाल सामने घर में गई हुई है, मनाल को बुलाते हैं कि घर आ जाए बारिश होने से पहले। बुलाओ है? और ये देखें ये अपने नज़ारे कर रहे हैं इधर बैठ के। गड़ 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 तो बहुत तेज सख्त वाली बारिश आएगी। बादल और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू भी हो चुकी है, मेरे सर पे पड़ी है तो पता नहीं। इधर से व्यू चेक कर लें, सूरज गरूब हो चुका है, शाम हो गई है। और आज मैंने खाने की वीडियो भी नहीं बनाई, नाश्ते की वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी वीडियो को। रोज़ की सेम वीडियो बन जाती है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा चेंज कर रही थी। वहाँ से ना चूज़ों के पिंजरे के पास आ गए और चोंच मारने की कोशिश कर रहे कि किसी तरह अंदर चोंच चले जाए मेरी। तमाशा देखो इनका। ओ उन्होंने चूंच मारी उनको, ओ चूंच मारी। कर चूंच आगे, कर कर। चूंच मारी उनको, कहता है आपका तो वैसे पेपर है, आप जल्दी आ जाओगी। तो पेपर तो पेपर होता है ना। अभी मैं चपली कबाब बना रही हूँ और हम चपली कबाब खाएंगे। तो ये फ्रोज़न ही थे तो मैंने इसको बस फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये नान बाहर से मंगवाए हमने, तो खाना खाएंगे। यहाँ मिठू ने अपना खाना खा लिया है, बैठ चुका है, और ये जो है इन्होंने शोर मचाया हुआ है। तो अभी मैं आपको रात भी दिखा देती हूँ। रात बहुत प्यारी है, आज की रात भी बहुत प्यारी। आज 13 रबी अव्वल है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत रात है, और चांद फुल कवर, बहुत खूबसूरत लग रहा है चांद। ये ज़ूम इन में और ये ज़ूम आउट में, चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस अभी अजान ख़त्म हो चुकी है एंड व्लॉग की एंडिंग आज मैं कर रही हूँ। और मानो 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 का मुंह अजीब सा हुआ है, फूला हुआ है, और मेरी जो जबान है ना उस पर अजीब छोटे छोटे से दाने निकल गए हैं।
बहुत दर्द हो रही है मुझे और कुछ खाने भी नहीं हो रहा। अच्छा तो अब मैं व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ, तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले आप लोग मम्मा के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब की पास जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आप जो भी मम्मा का न्यू व्लॉग आए उसकी नोटिफिकेशन पा पाएँ। अल्लाह हाफिज़।